मुझे तीन वज़रातों समेत विफाक में ये ओहदा भी दे। मौलाना फजल रहमान ने अपने लिए हुकूमत से कौन सा ख़ास ओहदा मांग लिया? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अहम फ़ैसला कर लिया। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मौलाना फजल रहमान ने विफाकी हुकूमत से तीन वज़राते और गवर्नरशिप मांग ली। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी जान अचकज़ई ने अपने ट्विटर पैगाम में दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक पेज पर हैं। वो फजल रहमान को कोई मुतालबा नहीं मानेंगे। जान अचकज़ई का मज़ीद कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने तीन वज़रातों समेत गवर्नरशिप और अपने लिए वफाकी मशीर बराए मजहबी उमूर का ओहदा देने का मुतालबा किया है। उनका मज़ीद कहना था कि आज़ादी मार्च से मुतालिक हिकमत अमली 20 तारीख के बाद तय होगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी ने मौलाना फजल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सौंपे जाने की किसी भी जिम्मेदारी के हवाले से खबरों की तरतीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया था।